हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कैसे दोस्तों आप अपने रेडमी वाले मोबाइल में दोस्तों प्राइवेसी पासवर्ड को अपडेट करोगे या उसको चेंज करोगे। दोस्तों अपने रेडमी वाले मोबाइल में दोस्तों अगर आप प्राइवेसी पासवर्ड को चेंज करना चाहते हो, आप प्राइवेसी पासवर्ड को कैसे चेंज कर सकते हो, आज की इस नई वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊँगा। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों रेडमी वाले फ़ोन में प्राइवेसी पासवर्ड को कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले तो हम फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे। फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे। और स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों आपको अपने फ़ोन में क्या करना है, यहाँ पर आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी सेटिंग पे क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइवेसी पासवर्ड सेटिंग, इस पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर दोस्तों आप प्राइवेसी पासवर्ड को अपने इंटर करो, जो भी आपका पासवर्ड है। और अगर अपना पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पे क्लिक करोगे दोस्तों आपको अपने फ़ोन का फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था जब मैंने प्राइवेसी पासवर्ड को सेटअप करना बताया था। दोस्तों हमेशा याद रखो अपना पासवर्ड भूलना मत। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर देना। और दोस्तों आपको पहले अपना पासवर्ड फिर से ड्रॉ करना है जो आप अभी यूज़ कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों आप अगर यहाँ पर अगर नया पैटर्न डायरेक्ट ड्रॉ करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो ये रॉन्ग दिखाएगा। तो पहले अपना पासवर्ड इंटर करो। अब दोस्तों यहाँ पर दिखाएगा ड्रॉ एंड अनलॉक पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक नया पैटर्न ड्रॉ कर लो प्राइवेसी पासवर्ड के लिए। दोस्तों यहाँ पर जो मेरा नया वाला पैटर्न है वो यहाँ पर मैं ये वाला पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ आपके सामने, आप देख सकते हो। और यहाँ पर हम कंफर्म कर देंगे। दोस्तों अपना पासवर्ड याद रखना, भूल मत जाना। क्लियर पे क्लिक करके वापस से ड्रॉ भी कर सकते हो अगर आपको पैटर्न पसंद नहीं आया तो, कंफर्म कर देना। अब दोस्तों आप देख सकते हो अगर आप प्राइवेसी पासवर्ड सेटिंग को अनलॉक करना चाहते हो तो अगर आप अपना पुराना वाला पासवर्ड इंटर करोगे तो ये रॉन्ग पासवर्ड दिखा है, गलत है ये पासवर्ड। नया वाला पैटर्न दो करो, प्राइवेसी पासवर्ड सेटिंग अनलॉक। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप अपने प्राइवेसी पासवर्ड को फिंगरप्रिंट लॉक के साथ अनलॉक करना चाहते हो तो पहले दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट को सेट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आप फिंगरप्रिंट से आप अपने प्राइवेसी पासवर्ड सेटिंग को अनलॉक कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो, वरना आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। पैटर्न से अपना पैटर्न ड्रॉ करो, प्राइवेसी पासवर्ड अनलॉक। और यहाँ पर अपनी प्राइवेट फोटोज़ वीडियोज़ को आप चेक करना चाहते हो तो अपने यहाँ पर प्राइवेट फाइल सेटिंग को ओपन करो, आप अपना यहाँ पर नया वाला पैटर्न ड्रॉ करो और यहाँ पर आप अपनी फोटोज़ को चेक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।